हेलो गाइस, दोस्तों मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए हमारे घर का बगीचा, तो आपको मैंने दिखाया होगा शायद पहले कितना बड़ा है। कहाँ एक बार फिर देख ली इसमें, देखो ये नीचे दाड़िम के पेड़ हैं 3-4 वो नीचे, और ये है एक रिट्ठ, ये साबुन बनता है इससे, इसका पेड़ अमरूद का पेड़, और ये है माल्टा मौसमी, और नीचे ये पुलम आलू बुखोर का पेड़, और ये अनार का पेड़ है बझाल, बहुत सारे अनार हुए हैं इस टाइम, और ये है पुलम का पेड़, ये देखिए, और ये हमारा घर घर, और यहाँ पे मैं आपको आज ओनली बगीचा दिखाऊंगा। ये है आड़ू का पेड़, आड़ू भी हुए हैं इसमें, आप ये देखिए आड़ू, ये हुए हैं आड़ू, ये इस टाइम जो है एंडिंग टाइम है इनका, तो दिखा नहीं। और बाकी दोस्तों ये देखिए हमारे घर पर, ये है खीरा, खीरा ये देखो खीरा, ये खीरा, मम्मी देखिए इसमें कीड़ा लगा है, इसको छिपा दो भाई, नहीं तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े बंदरों का आतंक है। और ये देखिए ये है खीरे की छाल, और ये है देखिए अनार, देखिए अनार कितने सारे अनार हुए, ये है अनार के पेड़, और ये देखिए अनार, ये अनार, और ये है पुदीना, ये पुदीने की चटनी, ये है गढ़ेरी पिनालू, और ये है अमरूद का पेड़, बहुत ही मीठा अमरूद है ये दूसरा पेड़ हमारा, और ये है हमारा खेत, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही, ये है केले का पेड़, और ये है अनार, अनार, और ये देखिए ये है वॉलनट, वॉलनट दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये है वॉलनट, और ये वॉलनट में है, इसमें वॉलनट लगे भी हैं, देखो ये देखिए वॉलनट काफ़ी सारे लगे हैं, देखिए ये वॉलनट है अखरोट, और अभी ये इनकी फसल तैयार नहीं हुई, फसल मतलब अभी ये फल पकानी, ये बरसात के बाद पकता है। और ये देखिए ये है अदरक के पेड़, अदरक देखा होगा, ये अदरक है, अच्छा सॉरी ये हल्दी का पेड़ है, हल्दी, और ये है केले का पेड़, ये है हमारी मोम, और यहाँ पे देखिए मैं खेत में जाने टूट गया, ओहो ये मर्च पे टूट गया यार, ये है मिर्ची के पेड़, अभी मिर्ची की फसल तैयार नहीं हुई, और अभी ये है अखरोट के पेड़, नहीं सॉरी क्या कहते हैं मूंगफली, ये है मूंगफली, ये है दोस्तों मूंगफली, ये देखिए मूंगफली, ये है मूंगफली, और इसको आप देखो ये अगर बंदर का आक्रमण नहीं रहा तो इस बार मूंगफली लगाई है मम्मी ने, तो ये मूंगफली तैयार हो जाएगी कुछ महीने में, और ये है भुट्टे के पेड़, भुट्टे भी तैयार, और ये है बेहतरीन अनार पोमेग्रेनेट, तो ये है अनार की पेड़, देखिए कितने सारे पेड़ हैं अनार के, ये देखिए आप, देखा आपने इसमें बहुत सारे अनार हैं, ये देखिए ये देखिए अनार, ये देखिए तो पूरा जो है ना ये पहले बहुत बड़ा पेड़ था ये, तो वो पेड़ टूटा तो जड़ से कलियाँ निकली बहुत सारी, और अब ये पूरा कलियों बड़ी होकर यहाँ पर पेड़ से बन गए हैं, और ये देखो मैं आपको बहुत ही क्लोज से दिखाता हूँ अनार, ये है अनार, ये है अनार, ये है अनार, और अनार, ये दोस्तों अनार का पेड़ आपने देखा होगा कितने हरे अनार में, देखिए ना ये अनार पूरा लदा हुआ पेड़, लेकिन बंदरों का जो है आतंक है। और दोस्तों ये अनार के बीच में आपको नाशपाती दिखाने जा रहा हूँ, वो है नीचे नाशपाती का पेड़, ये है नाशपाती, देखिए ये है नाशपाती, देखिए ये पूरा बगीचा हमारा है, देखो दोस्तों एक फार्म हाउस टाइप का है, देखो दोस्तों इतनी प्रॉपर्टी आपके पास दिल्ली में, आपके पास एक रूम तक आप सीमित है, लेकिन यहाँ देखिए हमारे पास कितना स्पेस है, ये मकान है पुराना और नया, और पूरे ऊपर को भी पूरा हमारा एरिया है, और
अब जो है मैं वापस जा रहा हूँ। ये है गन्ने का पेड़, ये है गन्ना और ये है केले का पेड़। देखो इस बार केला हो जाएगा शायद। एक्चुअली ना हमारी इस मिट्टी में थोड़ा एक वो कहते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं कितौल, वो कितौल दिक्कत कर देता है। ये पेड़ की जो जड़ें खा जाता है तो केले के पेड़ हो नहीं पाते। और पक्के अनार तो मैंने आपको दिखाई दिया है, 4-5 अनार के पेड़ है। आम इस बार कम लगे हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर। और ये देखिए ये सारे नीचे तक ये अखरोट के पेड़ हैं, 1-2 और तीसरा ये, और ये हैं आम के पेड़। आम नहीं लगे हैं यार इस बार, पता नहीं बोर तो आए थे लेकिन पता नहीं झड़ कैसे गए। और ये है दोस्तों नाशपति का पेड़, एप्पल की तरह होता है ये। ये देखिए नाशपति, लोकल लैंग्वेज में मिहो कहते हैं इसको हम। और ये है शिशुण, पहाड़ी शिशुण, बहुत ही तेज लगता है दोस्तों ये। तो दोस्तों अब मैं अपने बगीचे से, देखो आपने देख लिया कितना बड़ा बगीचा है, देख लो चारों तरफ एक बार, पूरा थ्रोली है, एक बार देख सकते हैं। और अब मैं वापस आपको कुछ खिलाने जा रहा हूँ, मतलब दिखाने जा रहा हूँ और मैं खाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये है पुलम का पेड़। मम्मी माँ खत्म किला गई, आलू बोर खत्म हो गए। दोस्तों ये है आलू बोर का पेड़, बहुत ही पुराना पेड़। एक बार मैं इसमें, जब ये बहुत बड़ा पेड़ था ना, तो मैं इसमें ऊपर से गिरा था और नीचे यहाँ इसमें अटका था। ऊंचा था, कब काफ़ी ऊंचा था पेड़। ये देखो ये अब तो सड़ गया, ये ऊपर को गया था तो मैं भगवान की कृपा से बच गया था उस दिन। मतलब ऐसे जैसे गिरा था ऊपर से और नीचे आके मेरे यहाँ पर फंसा था। मैं जैसे बाइक में बैठते हैं ना, राइड करते हैं वैसे। और देखो दोस्तों ये है प्यारे से आलू बुखोर, देखो कितना पेड़ जो है लदा हुआ है। अभी तो ये एंडिंग टाइम है, देखो ख़त्म होने वाला है, लेकिन घर वालों ने बताया कि इस बार बहुत ही ज़्यादा आड़ू हुए थे। तो दोस्तों अब मैं ये पेड़ में चढ़ के खाने वाला हूँ। पेड़ भी ऐसा है ना, थोड़ा ये टेढ़ा पेड़ है तो बाढ़ टूटने का डर है, तो इसलिए मैं नीचे से ही इनको तोड़ लेता हूँ और नीचे से शायद खा पाऊँगा। दोस्तों ये है मेरी फ्लेक्सिबल बॉडी, और ये है एक पैर यहाँ और एक पैर है जमीन पर। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैं हूँ ये, और ये है हमारे आलू बुखोर। तो दोस्तों ये है आलू बुखोर, देखो मैंने तोड़ दिए हैं। ये देखिए आलू बुखोर, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पक गए हैं, उन्हें टेस्ट कर, बहुत ही मीठा, बहुत ही ज़्यादा मीठा। दोस्तों ये है आलू, एकदम साफ नेचुरल चीज़ें, खट्टे मीठे होते हैं, बहुत ही टेस्टी। देखिए दोस्तों ये देखिए कितने अच्छे प्यारे ही लग रहे हैं, ये देखो। पूरा लदा हुआ है ये, और ये है हमारा प्यारा सा गांव। तो दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।